The Lallan Top Show is brought to you by Pagar Khata. Download the app now. मालिक, क्या इस बार भी लेट होगा पगार? पप्पू का, राजू का, छोटू का, सबके पगार का हिसाब करेगा तेरा मालिक मिनटों में। वो कैसे? पगार खाता के आकर्षक फीचर्स के साथ, क्योंकि स्टाफ खुश रहेगा तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। आज ही पगार खाता डाउनलोड करें। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्धमान में चुनावी रैली को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि दीदी ने हार सामने देखकर नई रणनीति बनाई है। टीएमसी के लोग SC ST को वोट डालने से रोकना चाहते हैं। साथियों, अपनी हार सामने देख अब दीदी ने एक नई रणनीति अपनाई है। दीदी की साजिश है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और OBC किसी को भी वोट ही नहीं डालने दिया जाए। दीदी की साजिश है इन वर्गों के लोगों को वोट डालने से रोकना और अपने गुंडों से छप्पा वोट डलवाना। गृह मंत्री अमित शाह ने भी आज पश्चिम बंगाल में कई रैलियां की। कलिम्पोंग की रैली में अमित शाह ने NRC का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि NRC लागू भी होगा तो एक भी गोरखा की नागरिकता नहीं छिनेगी। एक साजिश यहां फैलाई जाती कि NRC आएगी तो गोरखाओं को निकाल देंगे। अव्वल तो भी NRC आई नहीं है, मगर मैं आपको कहकर जाता हूं, NRC आए तो भी एक भी गोरखा को यहां से निकाल। टीएमसी वाले कहते हैं कि NRC आएगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी आज कई चुनावी रैलियां की। नडिया की रैली में ममता बनर्जी ने NRC को लेकर BJP को घेरने की कोशिश की। ममता ने लोगों से कहा कि NRC से क्या हुआ, असम में 14,000 लोगों को जेल में डाल दिया गया। ममता ने CISF फायरिंग मामले का भी जिक्र किया। ममता ने कहा कि CISF में जिन्होंने गोली चलाई उनके नाम मुझे पता है और इसकी जांच कराई जाएगी। ममता ने कहा कि फोर्स को उकसाया जा रहा है और ये अमित शाह ने प्लान किया था। पश्चिम बंगाल में 4 चरण की वोटिंग हो चुकी है। 5वें चरण में 17 अप्रैल को वोटिंग है। लल्लन टॉक की टीम भी चुनाव कवरेज के लिए पश्चिम बंगाल में है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से बातचीत का हिस्सा सुन लीजिए। पॉलिटिक्स, खासतौर पर इलेक्शन के इतर, जैसे ममता बनर्जी जी NDA का हिस्सा रही तो हम लोग वो पॉलिटिकल एनेक्डोट सुनते रहते हैं कि वो हर दूसरे दिन नाराज़ हो जाती थी तो वाजपेयी साहब इधर आ गए, उनके घर चले गए कि आपकी लड़की बहुत परेशान करती है, या जैसे मोदी जी ने भी जिक्र किया कि दीदी हमारे लिए कुर्ते भिजवाती हैं। तो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस, आप ममता बनर्जी से कई बार मिले होंगे और आप कह रहे हैं कि मैं पहले भी आता रहा, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या ट्रांसफॉर्मेशन देखा उन्होंने? देखिए, दीदी 2004 में अकेली लोकसभा जीत के गई NDA के हिस्से से, तब यहाँ लेफ्ट खूब जीत के गए थे। वो 2004 में NDA का हिस्सा नहीं थे, क्योंकि वो 2006 में हो गई, 2006 की जो विधानसभा हुई उसके बाद हो गई, वॉकआउट किया। देख के फिर आई, फिर हम लोग त्रिपुरा की चुनाव इकट्ठा लड़े। मुकुल राय जी त्रिपुरा के TMC के इंचार्ज होते थे जी। मैं पार्टी की ओर से इंचार्ज होता था त्रिपुरा की 2003 की चुनाव में, इसीलिए तब फिर दीदी से हमारी एक भेंट मुलाकात वहीं से शुरू होती है। तो 2004 में वो MP बन के जाती है, मैं भी एक नया MP बन के वहाँ पहुँचता हूँ। तो मैं दीदी के पीछे सीट में बैठता था। दीदी अकेली जब लेफ्टिस्टों के साथ लड़ते थे, कांग्रेस के साथ लड़ते थे, तो मैं दीदी के साथ प्रजातांत्रिक मूल्य बंगाल में बरकरार रहे दीदी की लड़ाई में उनके साथ होता था। फिर जो नंदीग्राम की बहुत चर्चित नंदीग्राम की बात आया, नंदीग्राम में जब तब दीदी हमसे NDA छोड़ के बाहर जाने वाली थी, जा रही थी, इस फेज था, लेकिन नंदीग्राम की लड़ाई में BJP भी था। एक बार दीदी यहाँ कोई अस्वस्थ होके कोई एक हॉस्पिटल में शहर में थी,
आदरणीय स्वर्गीय सुषमा जी के साथ हम लोग आए थे, फिर हम लोगों को नंदीग्राम जाना था। हम दीदी के साथ मिलके, दीदी ने वहीं से हम लोगों को कहा कि वहाँ शुभेंदु अधिकारी है, हमारी पार्टी का कार्यकर्ता, मेरा छोटा भाई, तब उसको मिलिए, वो सारा आपको घुमाएगा नंदीग्राम की जो पीड़ित इलाका है। फायरिंग तब हो चुका था, हम वहीं से दीदी को जानते हैं, दीदी के साथ लोकसभा में भी रहे। बाद में जब मैं केंद्रीय सरकार की भूमिका में रहा, तब भी मैं दीदी को यहाँ बंगाल के विकास के कामों को लेकर मिलने के लिए आई। देखो, व्यक्तिगत संपर्क तो एक अलग विषय है, दीदी के साथ तो है, रहेगा, आगे भी रहनी चाहिए, लेकिन मूल विषय बंगाल की विकास, बंगाल की तरक्की। 10 साल उनको जिम्मेवारी मिला, बंगाल की जनता ने उनको 10 साल भरोसा किया, दो दो बार बहुत बड़े बड़े मतों से उनको जिताया, और 10 साल लंबे समय होता है। जिन्होंने 34 साल में नहीं किया बंगाल, उसको भुगता, उससे और आगे खराब ये पिछले 10 साल में हुई है। दीदी आज बंगाल की दिशाहीनता की, अपार संभावना की, राज्य बंगाल की युवाओं की, महिलाओं की, गरीबों की आकांक्षा को पीछे ले जाने के लिए प्रमुख जिम्मेवार है। इसलिए इस चुनाव में एक बहुत बड़ा उत्तर बंगाल की जनता दे रहा है। ये सारे इंटरव्यू आप ललन टॉप के यूट्यूब चैनल और बाकी प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते हैं, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।